अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक? मैं इमरान नासिर माई गार्डन चैनल के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, शायद आप लोगों ने कम सुना हो। मेरे गार्डन के अंदर फंगस अटैक आ चुका हुआ है वाइट फ्लाइज की वजह से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फंगस अटैक किस किस्म का होता है। प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट तरह के फंगस होते हैं, तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से जो हैं फंगस के प्लांट्स अफेक्टेड हुए हैं मेरे। जी दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा हिबिस्कस देख रहे हैं प्लांट। एक्चुअली बरसात का मौसम है, अगस्त चल रहा है और वाइट फ्लाइज़ का हमला काफ़ी हो चुका हुआ है, और वाइट फ्लाइज़ के हमले के बाद की ये सूरत हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते होंगे, ये आपको मैं दिखाऊँ तो ये आप गौर से देखें ये पत्तों की हालत। आप ये देख रहे हैं, ये इसके बाद आप ये देखें। अच्छा, इसके मैं लें दोस्तों, ये देखें, ये आप देख सकते होंगे, ये आप देखें, ये स्टैम्प ब्लैक हुआ हुआ है सारा, ये आप देख रहे हैं ब्लैकिश स्टैम्प है। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक था कल, मुझे कल ये नज़र आया है शाम में, उस वक्त मैं आपको नहीं दिखा सका वीडियो बना के। ये बहुत शदीद किस्म का काला था और मेरी नज़रों में नहीं आया, तो मैंने कल इसकी सफाई वगैरह की है, इसको ब्रश वगैरह किया है, इसको फंगीसाइड पाउडर वगैरह मैंने दिया है। और इसी तरह मेरे दूसरे प्लांट्स हैं, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये इसके आप लीव्स देखें, ये लीव्स के ऊपर, इसको सूदी मोल्ड कहते हैं, वैसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं ऐसे। और ये आप देखें, ये आप पत्ते के ऊपर देख सकते होंगे काले रंग की कालख है, ये कालख नुमा होते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसके ऊपर भी अटैक हुआ हुआ था, काफ़ी था। अभी इसका मैंने कल का ट्रीटमेंट किया है थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं पत्ते, मैं आपको दिखाऊं तो ये काले हुए हुए हैं, ये देखें, ये आप देखें, ये प्लांट आप देखिए, पत्ता देख रहे हैं आप, ये वाला ये कितना काला हुआ है, आपको इसमें काले काले निशान नज़र आ रहे होंगे। कल इनको वॉश भी किया मैंने अच्छी तरह, क्योंकि अभी ज़्यादातर ये प्लांट्स में फैला नहीं है, कुछ प्लांट्स में ये फैला है। ये आप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर ये देखें, उसके बाद ये देखें, जी ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैकिश इसके अंदर आया हुआ है सारा। जी दोस्तों, ये फंगस क्या है इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी, और अभी और प्लांट्स को हम चेक करते हैं अपने गार्डन में। ये आप देखें, ये भी मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है, इसको चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। एक्चुअली ये ब्लैक फंगस होता क्या है, ये ब्लैक फंगस जो है, ये जिस वक्त वाइट फ्लाइज का हमला होता है, ये आप देखें इसके पीछे वाइट फ्लाइज के ये एग्स पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ये पत्तों के पीछे, कई पत्तों में हैं, कईयों में नहीं है, क्योंकि मैं इनकी डेली वॉशिंग कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें, ये मेरा तबूबिया का प्लांट है और इसके ऊपर भी काफ़ी अटैक हो चुका है, और इसके पत्तों की आप हालत देख सकते हैं कि इसके पत्ते तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए हैं और ड्राई हो चुके हुए हैं। ये देखें, ये इसके पत्ते ड्राई हो चुके हैं और ये बाकी प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप, इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये जी फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा गौर से इसको दिखा रहा हूँ कि इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल जो है ना वो हो चुके हुए हैं ड्राई और ब्लैक कलर के हो चुके हुए हैं। बाकी पत्तों को भी देखें, बाकी पत्तों की टिप्स जो हैं वो ब्राउन हो रही हैं कुछ की, और कुछ पत्ते खाए जा रहे हैं। अगर हम इनको गौर से इनके पीछे देखें तो हमें कुछ नज़र आता है, इसमें कुछ माइट्स नज़र आएंगे हमें, बड़े बारीक बारीक, लेकिन इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली इनका मैं ट्रीटमेंट थोड़ा कुछ अरसे से कर रहा हूँ, उनको पानी से वॉश कर रहा हूँ रेगुलरली। वाइट फ्लाई का जो वैसे ऑर्गेनिक हल है वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ ज़्यादातर वो वाइट फ्लाइज का हल वॉशिंग से करता हूँ। वॉशिंग करके मैं प्लांट्स को, वाइट फ्लाइज को डेली इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, उसके एग्स को डिस्ट्रॉय करता हूँ, लेकिन अगर हमला बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, ये आप देखें, ये मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से, इसकी ये टानी खुश्क हो रही है, ये इसकी जो टानी है ये ग्रीन थी और ये अब खुश्क हो रही है, इसका हमें फौरी तदारक करना पड़ेगा। इसका हाल क्या है? इसका हाल ये है कि इसको हम यहाँ से काटेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूँगा इसको यहाँ से
काट दूँ। यहाँ तक ये ठीक है, यहाँ से इस जोड़ से इनको मैं काटूँगा ताकि बाकी तना जो है वो मेरा ना सूख सके। और जो लीव्स इसमें ये लगे हुए हैं ये वाले, ये जो है इनको मैं उतारूँगा और इनको साइड पे करूँगा। ये दोस्तों शुरू करते हैं, ये आप देखें इसको मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, ये सूख चुका हुआ है, और बल्कि यहाँ से भी इसको कट करूँगा। इसी तरह ये मैंने इसको उतार लिया, और ये कुछ आप देख सकते हैं कि लीव्स इनके हुए हुए हैं। आप इन सब लीव्स को काट दें, कोई बात नहीं है, नई लीव्स आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है आपकी। लेकिन ये लीव्स आपको, बर्निंग लीव्स आपको उतारने होंगे ताकि आप अपने बाकी पौधों को बाकी पत्तों को बचा सकें। और ये जो आपके लीव्स हैं इनको आपने डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर बीमारी है। और आपको हमेशा पता है कि जिस वक्त किसी चीज़ पे बीमारी हो तो उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है, बाकी पत्तों से आपने इसको दूर रखना है। और कोशिश करें कि जो प्लांट्स आपके इफेक्टेड हैं इनको आप बाकी प्लांट्स के साथ ना रखें। इनको आप बाकी प्लांट्स से दूर रखें। अब ये वाइट फ्लाइज़ का जो हमला है ना, ये हो जाता है। अब ये ब्लैक फंगस जिसको हम कहते हैं, या सूती मोल्ड भी इसको कहते हैं, ये क्यों होता है? सूती मोल्ड, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, एक्चुअली ये फंगल अटैक्स हैं और ये ह्यूमिडिटी की वजह से होते हैं। आपने अगर अपने प्लांट्स को खुली हवादार जगह पर रखा हुआ है, कंजस्टेड करके नहीं रखा हुआ, धूप में रखा हुआ है, तो उन प्लांट्स के ऊपर जो धूप में रहते हैं उन प्लांट्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। निस्बतन जो प्लांट्स आपने शेडी एरिया में रखे हुए हैं बारिश से बचाने के लिए, और उन पे ये अटैक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और इनको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिल सकती तकरीबन 6-7 घंटे की, ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये फंगस का अटैक आना शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप पता ग्रीन लीव देख रहे हैं, इसके अंदर एक हल्का हल्का आपको शायद डॉट नज़र आ रहा हो, ये वाइट कलर के, मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बड़े ब्रीक से डॉट हैं इसके अंदर, गोल राउंड, ये एक्चुअली शुरू हुआ है इस पर अटैक। तो आप ये सारा इसको देख लें और इनको पत्तों को यहाँ से रिमूव कर दें, कोई मसला नहीं है। ये सब पत्तों में मैं देख रहा हूँ कि ये आया हुआ है, तो बेहतर ये है कि आप इसको, इन पत्तों को रिमूव करें। अभी इनकी बर्निंग शुरू नहीं हुई है लेकिन आप इनको रिमूव करें और इनको छोड़ दें ताकि नए पत्ते जो हैं इनकी जगह ले लेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मौसम है, नए पत्ते निकल आएंगे, जब नए पत्ते निकलेंगे तो वो इस डिज़ीज़ से पाक होंगे। ये तकरीबन हमने उतार दिए हुए हैं जनाब, ये सारे ही इनके ऊपर से, और इनको छोड़ दिया है। तो दें दोस्तों, आपने ये देखा है कि इसकी मैंने ट्रीटमेंट कैसे की है। इसके अलावा मैं इसके अंदर फंगिसाइल पाउडर इस्तेमाल करूँगा इसकी जड़ों में, जिस थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसकी ड्राई होती है तो फंगिसाइड पाउडर का लिक्विड बना के थोड़ा सा इसकी मैं उसमें दूँगा अपना जड़ों में, ताकि ये वहाँ से भी इफ़ेक्ट ले कर जड़ों के ज़रिए ये अपना मज़ीद ट्रीटमेंट कर सके। जी फ्रेंड्स, हमने अपना तकरीबन इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको हमने अलहदा कर दिया है, और अब हम इसको रखेंगे धूप वाले एरिए में जहाँ पे इसको डायरेक्ट धूप पड़ती हो।